Hello everyone, this is Sanjeev Kumar from MDR Senior Secondary School class. Now in this video we will discuss about the chapter 2 of class 8 linear equation in one variable. Basically this is our second chapter, linear equation in one variable. Now first we will discuss about its introduction and its basic. Now we first deal with algebraic expression. देखो भाई हमारे पास x, y, z ये टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल है भाई जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे 4, 5, 7, माइनस 9, माइनस 2 ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म। जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू चेंज होती है, और जो कॉन्स्टेंट है इनकी वैल्यू है तो बेसिकली वो पूरे क्वेश्चन में क्या रहती है, सेम रहती है। अब देखो जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, जैसे 5x 2x - 3 3x + 4 ये मिलके लीनियर इक्वेशन बनाते हैं वन वेरिएबल की। वन वेरिएबल का मतलब है क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होगा जिसकी हम वैल्यू निकालेंगे, वो x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, w हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे x² + 1 y² + y² ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्यों नहीं है ये हम यहां बात करेंगे। देखो कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कब बनती है, जब उसमें तीन कंडीशन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल हो, जैसे इसमें है x वेरिएबल है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, कांस्टेंट का यूज है, ये इक्वेशन कांस्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इक्वालिटी साइन, इक्वालिटी साइन, इक्वालिटी साइन का मतलब है इक्वल टू का साइन होना बहुत जरूरी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे ये इक्वेशन, जैसे हमने ये लिखी है, इनमें वेरिएबल भी है x भी है, लेकिन इनमें इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं बोल सकते हम। इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोल सकते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं बोल सकते, ठीक है भाई। तो ये अपना बेसिक है, इसमें मेन चीज कंडीशन है जो मैंने आपको बताई है, पहले क्या है वेरिएबल x या y जो, सेकंड क्या है भाई, सेकंड है कांस्टेंट, और थर्ड क्या है इक्वालिटी इक्वालिटी साइन, इक्वल टू का क्या होना चाहिए, साइन भी होना चाहिए, ठीक है। ये अपनी कंडीशन है और ये अपना बेसिक है भाई लीनियर इक्वेशन ही वन वेरिएबल, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन, उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, जो लीनियर इक्वेशन है इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही तरफ है, और हम LHS और RHS भी चेक करेंगे। जैसे ये है 6x माइनस y इक्वल टू कितना है, 3 है, ठीक है भाई। 6x माइनस y इक्वल टू कितना है, 3 है। अब ये लीनियर इक्वेशन है, हम वेरिएबल की क्योंकि वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और इक्वल टू का साइन भी है, लेकिन इसमें क्या है, ऑन वन साइड वेरिएबल है, वेरिएबल है तो सिर्फ लेफ्ट साइड में ही है, राइट साइड में कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। पहले हम ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही तरफ है, और उसी की हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे, यहां देखो जैसे 6x है, 3 ये 5 की तरफ जाके प्लस का, 6x इक्वल टू 5 और 3 8, x किसके इक्वल आ गया 8/6, 2 पे कट करो 3, 4, x कितना आ गया भाई 4/3। अब हमने x की वैल्यू निकाल दी है,
ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, चेक रिजल्ट करेंगे। चेक रिजल्ट में हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का यूज करेंगे। अगर वैल्यू हमारी सेम आ गई तो अपना क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं फिर वैल्यू में ही गड़बड़ है। ठीक है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड कितनी है 6x-5, राइट साइड कितनी है 3 है। अब देखो ये तो कॉन्स्टेंट है और पूरे क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट, तो फिर कहीं कुछ नहीं चेंज होने वाला। हमें पता है कि राइट साइड कितनी आनी चाहिए 3। तो अब देखो भाई 6 x की जगह वैल्यू रखो 4/3-5, इससे 3 से 6 4 2 जा 8-5 कितना आ गया 3। इस तरफ पे कितना है 3। अब अपनी LHS इसके इक्वल है RHS, ठीक है। अपनी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। तो इसका मतलब हैंस वेरी गुड, ठीक है भाई। LHS किसके इक्वल है RHS, और अपना ये प्रूफ हो गया। जो ये इक्वल साइड है ये प्रूफ करती है अपनी इस वैल्यू को कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसको गलत लेंगे तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे भाई दोनों वैल्यू, इसलिए ध्यान रखना। और ये दोनों बातें लिखनी जरूरी है भाई, बच्चे क्वेश्चन को यही छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना ही छोड़ना है, लिखना है कि हम प्रूफ कर चुके हैं। और ये बात प्रूफ क्यों है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड की, ठीक है भाई। ये अपना हमने क्या किया है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही तरफ है। अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे इसी टाइप का, उसके बाद अभी जैसे 5m-2=2, ये कितना है भाई 8, ठीक है। 5m-2=2 कितना है 8। अब हम इस ये भी अपनी क्या है, लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल की, और जो वेरिएबल है वो एक ही तरफ है इक्वेशन के, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है, उस तरफ कोई वेरिएबल नहीं। अब हम क्या करेंगे, 5m=8 और 2 उस तरफ जाके भाई प्लस, तो 5m=2 कितना आ गया 10, m कितना आ गया 10 डिवाइड में 5 के, m कितना आया 2, m की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 2। अब ये वैल्यू ठीक है या गलत है इसका, इसको चेक करने के लिए हम चेक रिजल्ट का यूज करेंगे। चेक रिजल्ट, और जैसे मैंने लिखा भाई आपने भी अपने फाइनल एग्जाम में अपने नोटबुक में ऐसे लिखना है, लेफ्ट राइट दोनों चेक करना है, ऐसे कंप्लीट लिखते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड है 5m-2 और राइट साइड है 8 5, m की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2-2, 10-2 कितना आ गया भाई 8, और यहां भी कितना है 8। तो हम लिख देंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड, हैंस वैल्यू, ठीक है भाई। ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब जो अपनी एम की वैल्यू है वो सेम। एक बार आप इसको नोट कर लें और सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। यहां वहां बीच में वीडियो के कहीं स्किप ना हो, एक बार इसको नोट डाउन करें। उसके बाद अभी सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अब जो वेरिएबल है हम दोनों तरफ लेंगे भाई, पहले हमने एक तरफ लिया था, अब हम वेरिएबल को दोनों तरफ लेंगे और चेक करेंगे ठीक है गलत अपना रिजल्ट, ठीक है भाई। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं अपनी तरफ से, जैसे ये भाई 2m-3=5m+2, मैंने अपनी तरफ से एक वैल्यू ले ली, ठीक है। इसमें देखो ये लीनियर इक्वेशन तो है ही है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है और इक्वल टू का साइन भी है, लेकिन
लेकिन पहले और इस पार्ट में क्या डिफरेंस है, इसमें वेरिएबल दोनों तरफ है, जैसे m यहां वेरिएबल है, हम क्या करेंगे m बड़ो को एक तरफ करेंगे, वेरिएबल को कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे, जैसे 2m है, अब ये 5 है, इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आके माइनस 2, और ये 3 इस तरफ माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस का, तो ये 5 को माइनस 3m इक्वल टू कितना आएगा भैया 5, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 5 by -3, या हम इसको लिख सकते हैं -5/3। अब हमने m की वैल्यू निकाल दी है, अब हम इसको चेक रिजल्ट करेंगे, ये जो वैल्यू है हमने निकाली है ये ठीक है गलत, ठीक है भाई, तो इसको चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड है भाई 2m-3 और राइट साइड है 5m+2, 2 × m की जगह क्या रखेंगे -5/3 -3, तो कितना आ गया -10/3 -3/ 3 × -10 -9, तो कितना आ गया -19/3। अब इसकी राइट साइड चेक करेंगे भाई 5 × m की जगह -5/3+2, तो कितना आ गया -25/3+2, एलसीएम लेंगे भाई 3 -25+6, तो कितना आ गया -19/3। अब हम देख सकते हैं भाई जो LHS है वो किसके इक्वल है RHS के, तो इसका मतलब है जो अपना क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई। एक बार इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद अभी अपनी एक्सरसाइज है 2.1, इसमें कुछ क्वेश्चन है भाई जिनमें जो वेरिएबल है वो दोनों तरफ, ठीक है भाई। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के और इसमें वेरिएबल दोनों तरफ है, तो उसको करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि जो वेरिएबल है वो एक तरफ और जो एक कांस्टेंट है वो एक तरफ, ठीक है भाई। उसके बाद अभी अपनी एक्सरसाइज है 2.1, इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है भाई 3x = 2x+18, और क्वेश्चन नंबर मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं भाई, ये मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4z+3 6+2z, ठीक है भाई। ये दोनों क्वेश्चन है और इनमें जो वेरिएबल है वो दोनों तरफ है, इसमें वेरिएबल x है और उसमें वेरिएबल z, तो देखो भाई ये 3x ये 2x इस तरफ आके क्या हो गया माइनस का इक्वल टू कितना, ठीक है भाई। ये जो ये वेरिएबल है ये मैंने एक तरफ कर लिए, इस तरफ माइनस इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब जो ये वैल्यू निकली है हम चेक रिजल्ट करेंगे भाई इसका, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड, देखो ये इस तरफ 3x है और इस तरफ क्या है 2x+18, 3 × x कितना है मल्टीप्लाई करेंगे 54, 2 × 18+18 36+18 कितना आ गया 54। देखो दोनों तरफ वैल्यू ठीक है, तो इसका मतलब अपना चेक रिजल्ट क्या है बिल्कुल ठीक है। हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है भाई राइट हैंड साइड, उसके बाद है 4z,
ये 2z इस तरफ आके माइनस का इक्वल टू 6 और ये 3 इस तरफ जाके ये माइनस का, ये 2z कितना आ गया भाई 3, z कितना है 3/2। अब हम क्या करेंगे इसका चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड है भाई 4z+3 और राइट साइड है 6+2z। ये बाकी का क्वेश्चन आपने खुद करना है क्योंकि मैं ऐसे दो या तीन क्वेश्चन लिखवा चुका हूं और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है भाई? तो नोट डाउन करिए इसको। (2x-3=x+2) क्वेश्चन नंबर सेकंड है 5x+7y2=3/2x-14। क्वेश्चन नंबर थर्ड है भाई 8m+4=3(2m-1+7)। ये क्वेश्चन आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ये मैंने करवा दिए, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है जिसमें जो वेरिएबल है वो दोनों तरफ है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, और आपने इनका चेक रिजल्ट भी करना है। और आप ये सारा काम रफ नोटबुक में करेंगे जो छुट्टियों के बाद चेक होगा, एक बार इसको नोट डाउन करें। ठीक है भाई, तो ये आज की अपनी वीडियो थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है? आई होप ये सब बच्चों को समझ में आई होगी, ठीक है? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।